एग्जिट पोल के दावों पर यकीन किया जाए तो एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि इस बार चुनावों से पहले कांग्रेस से बीजेपी को कई टक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अलग अलग एग्जिट पोल के दावों पर अगर यकीन करें तो इस बार गुजरात में कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा है, लेकिन वो इस बार भी जीत से कोसों दूर है। लेकिन एग्जिट पोल के दावों पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता, कई बार ये एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। चलिए बताते हैं आपको कि कब कब एग्जिट पोल असल नतीजों के कितने करीब रहे। 2004 के एग्जिट पोल फेल रहे। एग्जिट पोल के दावों के मुताबिक वाजपेयी सरकार की वापसी नहीं हुई और यूपीए ने अपनी सरकार बनाई। 2009 के एग्जिट पोल में ये तो जरूर कहा गया था कि बीजेपी सरकार नहीं बना सकेगी, लेकिन सही आंकड़े कोई नहीं बता सका था। 2014 में मोदी लहर को तो सभी एजेंसियों ने भाप लिया था, लेकिन सही आंकड़े के करीब सिर्फ चाणक्य एजेंसी ही पहुंच सकी थी, जिसने मोदी सरकार को 340 सीटें मिलने का दावा किया था और मोदी सरकार को 339 सीटें मिली थी। 2014 की विधानसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे हकीकत के काफी करीब रहे थे। 2015 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत का तो दावा सभी एग्जिट पोल में किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी को चुनावों में 67 सीटें मिलने की कल्पना भी कोई नहीं कर सका था। यानी एक लिहाज से हर एग्जिट पोल नाकाम साबित रहा। बिहार तमिलनाडु के एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए। ऐसे में ना तो एग्जिट पोल को सिरे से खारिज किया जा सकता है और ना ही एग्जिट पोल को बिल्कुल सही कहा जा सकता है। यानी इस बार गुजरात चुनावों को लेकर एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सच्चाई के कितने करीब है, इसका फैसला तो 18 दिसंबर के नतीजों से ही हो पाएगा। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।